हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक ट्रिक्स अजय पे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इवेल्यूएशन का ट्रिक्स, यानी कि होमोलोगस और एनालोगस में जितने सारे एग्जांपल दिए हैं उस एग्जांपल को हम कैसे याद करें उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाया है। तो यदि ये ट्रिक्स आपको मेरा पसंद आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो मैं ट्रिक्स आज बता रहा हूँ, ये कल मेरे पास एक कॉमेंट आया था, ठीक है। तो कॉमेंट में कोई हमसे पूछ रहे थे कि सर होमोलोगस और एनालोगस का एग्जांपल का कोई ट्रिक्स बना दीजिए, बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग। तो इसलिए फाइनली मैंने कल रात को बनाया इसका ट्रिक्स और आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ये ट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस के बारे में, ठीक है। होमोलोगस का एग्जाम्पल का क्या ट्रिक्स है पहले ध्यान से देखिए। विराट हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर टेस्ट मैच टूडे, लेट्स विन द मैच बाय टेकिंग केयर। इसको दो पार्ट में आपको याद करना, पहला क्या याद करना है कि ये याद करना विराट हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर टेस्ट मैच टूडे, ठीक है। इतना दूर याद करना है कि विराट हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर टेस्ट मैच टूडे, और दूसरा पॉइंट याद करना लेट्स विन द मैच बाय टेकिंग कैच, ठीक है। तो देखिए वहां पे देखिए होमोलोगस का सबका हाई, ठीक है, हाई सिंपली पढ़ सकते, ठीक है। विराट का मतलब क्या होता है वर्टिब्रेट, हाउ का मतलब हार्ट एंड बैट का मतलब ब्रेन, ठीक है। क्रिकेट बॉल का मतलब क्या होगा बैंगन भरिया, टेस्ट का मतलब फ्रॉन, क्रिकेट का मतलब कुकुरबिट्स और टुडे का मतलब कैंडल, ठीक है। तो विराट हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर टेस्ट मैच टुडे, तो वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, उसके बाद बैंगन भरिया फ्रॉन्स और कैंडल्स कुकुरबिट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आपके नाम लेट्स विन द मैच बाय टेकिंग कैच, लेट्स लिम्स विन वेल मैच मैन बाय बैट और कैच चीज, ठीक है। लिम्स वेल मैन बैट चीज, ठीक है। तो ये था होमोलोगस का ट्रिक। अब एनालोगस का देखते हैं, एनालोगस को भी दो भाग में याद करना है, ठीक है। कैसे याद करना है, द पीपुल ऑफ दिल्ली एंड फरीदाबाद आर स्वीट एंड पीसफुल, ठीक है। यहाँ तक पहला भाग में याद करना है, कितना दूर तक एनालोगस का द पीपुल ऑफ दिल्ली एंड फरीदाबाद आर स्वीट एंड पीसफुल, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद करना है, हु गेव बेस्ट ब्रेड एंड मेनी ऑप्शन ऑफ एग डिशेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है कि हु गिव बेस्ट ब्रेड एंड मेनी ऑप्शन ऑफ एग डिशेस। वहां देखिए पीपुल एनालोगस ऑल पीपुल पेंगुइन दिल्ली डॉल्फिन, ठीक है। पेंगुइन डॉल्फिन फरीदाबाद फ्लिपर्स, ठीक है। पेंगुइन डॉल्फिन का फ्लिपर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना आर स्वीट एंड पीसफुल, स्वीट का मतलब स्वीट पोटैटो और पीसफुल का मतलब पोटैटो, ठीक है। अब दूसरा है हु गिव्स बेस्ट ब्रेड एंड मेनी ऑप्शन ऑफ एग डिशेस, हु विंस बेस्ट ब्रेड, ब्रेड्स का मतलब क्या बर्ड और ब्रेड का मतलब बटरफ्लाई, मेनी मेमल्स ऑप्शन ऑक्टोपस और डिशेस का मतलब कोई मीनिंग नहीं है, एक का मतलब आई, ठीक है। विंग्स बर्ड्स एंड बर्ड्स, विंग्स बर्ड्स बटरफ्लाई मेमल्स ऑक्टोपस एंड आई, ठीक है। तो किस तरीका से काम करता था, पहला होमोलोगस में क्या याद करना है दो पॉइंट, पहला विराट हाउ इज बैट एंड बॉल फॉर टेस्ट मैच टूडे एंड दूसरा पॉइंट लेट्स विन द मैच बाय टेकिंग कैच, ठीक है। और एनालोगस का दो पॉइंट क्या था, द पीपुल ऑफ दिल्ली एंड फरीदाबाद आर स्वीट एंड पीसफुल, हु गिव बेस्ट ब्रेड एंड मेनी ऑप्शन ऑफ एग डिशेस, ठीक है। ये दो दो पॉइंट आपको चार पॉइंट में होमोलोगस और एनालोगस पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। यदि आप भी मेरे से कोई ट्रिक्स पूछना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, तो आप हमें कॉमेंट में करके बताइए, मैं उसका ट्रिक्स प्रोवाइड बहुत जल्द कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।